effect of height या altitude on acceleration due to gravity. Height या altitude के अंदर basically क्या है, ये अर्थ है मैं height के ऊपर जा रहा हूँ 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, तो जी कैसे चेंज होगा? तो एक स्टूडेंट पूछा सर वो आपने वो काइनेमेटिक्स करवाया था, हमने भी बॉल को ऊपर फेंका, हमने तो जी 9.8 ही लिया था। भाई तुम्हारी हाइट तो 10-15 मीटर की थी, 100 मीटर की थी, इसके ऊपर तुमने क्या फेंका? 100 मीटर तक कोई चेंज नहीं होता, हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.000 समथिंग चेंज होगा, निगलेक्टेड है। पर अगर आप किलोमीटर में ऊपर जाएंगे फिर जी में फर्क पड़ेगा। तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ प्लैनेट। फिर h हाइट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी एम बाय आर प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एक चीज बताओ, जब आप हाइट अटेन करेंगे आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जी क्या होगा? कम। तो ऊपर जाने में जी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। मान लो आप रॉकेट उठा के चल पड़े बहुत दूर, बहुत दूर, मतलब चलती जा रहे हो हट ही नहीं रही, तो h बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, तो जी क्या हो जाएगा? तो अर्थ आपको खींचना बंद कर देगी। तो बहुत दूर पे कई 100 किलोमीटर के बाद अर्थ की जी काफी कम, 9.8876 करते करते जीरो पे आ जाएगी। ठीक। तो लेकिन हम इतनी दूर के डिस्टेंसेस थोड़े ना पढ़ेंगे, हम तो इसी से काम करेंगे। तो पहला फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करके जीएम जीएम कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि 2000 किलोमीटर हाइट पर जी डैश क्या होगा, तो ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में, और टॉपिक का नाम दें अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड में ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले में जब भी आपको हाइट गिवन होगी h और r, g की वैल्यू पुट करके g डैश आ जाएगा। लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा नोट करें, डिनोमिनेटर में से कैपिटल r को कॉमन निकाल लो। अब क्योंकि होल स्क्वायर चल रहा है तो कैपिटल r का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1, और ये h में तो r है नहीं, तो h / r। ठीक, कॉमन निकाल लिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इसको ऊपर ले गए रेस टू पावर माइनस टू। अब मैथ में, मैथ्स वाले लोग बाइनोमियल करते हैं, उसमें सिखाया जाता है ये फर्स्ट टर्म 1 है, एच बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, आर तो बहुत बड़ा 6400 किलोमीटर, और अगर एच 200-300 किलोमीटर है बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं, और बाइनोमियल के अकॉर्डिंगली मेडिकली लोग समझ लें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। एक्सपेंशन पूरी नहीं करनी, बस फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन करनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा 1 - 2h/r। तो ये फॉर्मूला भी नोट करें, ऑल्टीट्यूड में ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। तो या तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा g डैश का, या ये फॉर्मूले से आंसर आएगा। ये फॉर्मूला तब लगता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर h की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बस।
अगर 2000 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर है, मत लगाना, क्योंकि ये रिजल्ट वेरिएशन गलत देगा। ये अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल लगा रखी है, ये फॉर्मूला आपको कभी गलत आंसर नहीं देगा, ये तो प्योर सही आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा। फिर आप कहोगे फिर यही लगा लेंगे, प्रॉब्लम ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी है और फिर डिवीजन भी है, तो 99% क्वेश्चन में यही लगता है। लेकिन जिसमें हाइट बहुत बड़ी है या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, चेंज हो रही है, फिर उसमें हम ये लगाते हैं। आज मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको कब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप अभी के लिए दोनों लिख लो, दोनों फॉर्मूला नोट कर लो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जब स्कूल के अंदर डेरिवेशन आएगी, इन आज की डेरिवेशन में से मैं कम बोलता हूँ कि आएगा नहीं आएगा, इन में से पक्का एक टॉपिक आएगा दिसंबर के एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा। आज तीन डेरिवेशन करेंगे, तीनों में से एक पक्का है, उनमें से ये एक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने यहाँ तक करके आना है प्रूफ इसका।